वेलकम ऑल ऑफ यू बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस मैथमेटिक्स। हम लोग सेपरेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे सेपरेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। इसके पहले लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेंड किया जो कि इससे संबंधित थे। और इस लेक्चर में देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है सेपरेट टेन जेड इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो कि सर्कुलर फॉर्म में दिया गया है टेंजेंट, उसको आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो यही है कि जेड को आप एक्स प्लस आई वाई के फार्म में रख दीजिए और उसके बाद टेन ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, यूज करने के बाद आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करके फिर आप सेपरेट कर सकते हैं इस तरह। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि इसको साइन जेड बाई कॉस जेड में लिख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा जानते ही हैं, बहुत पुराना फार्मूला है और बहुत अच्छी तरह इससे परिचित भी होंगे आप लोग, कई बार यूज़ किए होंगे त्रिकोणमिति में। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे जब, तो साइन जेड बाई कॉस थीटा में तो साइन जेड बाई कॉस जेड रहेगा और जेड को हम लोग एक्स प्लस आई वाई के फार्म में रख ही देंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। रखने के बाद उसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करने के बाद फिर रेशनलाइजेशन कर लीजिए, या तो ये करिए या फिर वहीं पे आप फार्मूला यूज कर लीजिएगा टू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एंड टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वो वाला फार्मूला अगर ये यूज कर लेंगे तो ये बहुत शॉर्टकट तरीका होता है, इससे आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं तय करना पड़ेगा और आसानी से आप सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे, मीन्स रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये वाला फार्मूला हम लोग सोच रहे हैं यूज करें। तो सबसे पहले लिख लीजिए गिवेन फंक्शन इज टेंजेंट। ठीक है, तो अभी जेड का वैल्यूएशन में पुट करिएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में एक्स प्लस आई वाई में। अभी आप इसको साइन बाई कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए साइन जेड बाई कॉस जेड। ओके, यहाँ हम लोगों का एंगल जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन बाई कॉस रेशियो में, क्योंकि यही रेशियो टेंजेंट के नाम से जाना जाता है। तो टेन जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई कॉस जेड। अब इसके बाद जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कि अच्छी तरह जानते हैं एक्स प्लस आई वाई के रूप में हमेशा बना रहता है। इसका मान यहाँ पे रखिए, रखने के बाद आप लिख पाओगे इसको साइन एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो यहाँ तक कोई फिलहाल समस्या नहीं होनी चाहिए। जेड इज इक्वल टू पुट किया जा रहा है एक्स प्लस आई वाई रिटर्न, एक्स प्लस वाई वाई पुट करने के बाद आप साइन एक्स प्लस आई वाई लिख पाएंगे और कॉस एक्स प्लस आई वाई लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको रेशनलाइजेशन करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि टू से भी मल्टीप्लाई करके यूज कर लीजिएगा फार्मूला जो अभी हम चर्चा कर रहे थे उस फार्मूले का, और दोनों से। तो फिलहाल इसको पहले रेशनलाइजेशन करिए। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस आई वाई। ओके, इसमें डिनोमिनेटर है आपका कॉस एक्स प्लस आई वाई, तो कॉस एक्स प्लस आई वाई डिनोमिनेटर का कंजुगेट जो होता है उसी से आप मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कॉस एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट पड़ जाएगा कॉस एक्स माइनस आई वाई। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आप इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए कॉस एक्स माइनस आई वाई इज डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस आई वाई। ठीक, अभी फार्मूला जो त्रिकोणमिति में पढ़े हैं टू टाइम्स वाला, उसका यूज करने के लिए टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो टू से आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ही इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे। टू साइन एक्स प्लस आई वाई इन टू कॉस एक्स माइनस आई वाई। ओके, इज डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस
एक्स माइनस आई वाई। तो टू से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये पूरा लिख पाएंगे, टू टाइम्स साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई। ओके, तो अब इसमें आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, टू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी एंड टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, जो कि होता है फार्मूला, चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पे, फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, एंड टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। न्यूमरेटर में साइन टू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी का यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज न्यूमरेटर में हो जा रहा है। एंड टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका यूज आप सेकंड वाले फार्मूले का डिनोमिनेटर में कर लीजिएगा। देखिए, टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई है, और न्यूमरेटर में है टू टाइम्स साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई। तो इस फार्मूले का यूज करके आप इसको अच्छी तरह सेपरेट कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी में। ये पूरा एक्स प्लस आई वाई को हम लोग ए मान लेंगे, एक्स माइनस आई वाई को बी मान लीजिएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स प्लस आई वाई को ए मान लीजिएगा एंड डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस आई वाई को बी मान करके इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह यूज हो करके ये सेपरेट होता है। साइन ए प्लस बी ऊपर न्यूमरेटर में आपका रहेगा ए प्लस बी, तो आई टाइम्स वाई ए हो गया प्लस बी हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। तो ये पहले में पड़ेगा साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी, ए है आपका, ए है एक्स प्लस आई वाई एंड माइनस एक्स माइनस आई वाई। ओके, तो ये कम्प्लीटली न्यूमरेटर आप इस फॉर्म में लिख देंगे फार्मूले का यूज करके, साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख लीजिए पहला फार्मूला है जहाँ ए की जगह एक्स प्लस आई वाई यूज किया जा रहा है और बी की जगह एक्स माइनस आई वाई यूज किया जा रहा है, तो उसी फार्मूले का यहाँ यूज करके हम लोग इतना लिख देंगे। लिखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सिंप्लीफाई किए मैथमेटिक्स में आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखिए ज़रा, तो डिनोमिनेटर में टू कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई, तो ये टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी रखा गया है, इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी आएगा कॉस ए, ए हमारा एक्स प्लस आई वाई है एंड बी है एक्स माइनस आई वाई। ओके, प्लस कॉस ए माइनस बी है, तो ए रहेगा एक्स प्लस आई वाई माइनस आप एक्स माइनस आई वाई। ठीक, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या होता है, साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू साइन एक्स माइनस आई वाई, इसमें फर्स्ट में हम लोगों का आई टाइम्स वाई कैंसिल हो जा रहा है, आई टाइम्स वाई एंड माइनस आई टाइम्स वाई है, ये दोनों एक दूसरे से निगलेक्ट हो जाएंगे। एंड सेकंड में ब्रैकेट ओपन करिएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स से निगलेक्ट हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। फिलहाल देखिए किस तरह, साइन यहाँ पड़ेगा आपका टू एक्स प्लस साइन इन ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस एन प्लस आई वाई, तो ये न्यूमरेटर में पड़ जा रहा है एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है आपका कॉस एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ भी आई टाइम्स वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो टू टाइम्स एक्स रिमेन रहेगा प्लस कॉस
ये कैंसिल करेंगे, कैंसिल क्या करेंगे भाई, इसको ओपन कर लीजिएगा, x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ओपन करने के बाद ही इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये दोनों एंगल देखिए जरा, तो माइनस एंटर कर रहा है तो माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में भी माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई टाइम्स वाई एंड x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई टाइम्स वाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग x कैंसिल कर लेंगे यहाँ और यहाँ, और डिनोमिनेटर में भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। साइन 2x एंड कॉस 2x सेम ऐसे ही रखिएगा, इसको एक्सपेंड ना करिएगा। साइन 2x प्लस, देखिए न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, साइन एंड i टाइम्स y प्लस i टाइम्स y, तो ये 2 टाइम्स i टाइम्स y हो जाएगा। तो लिखिए साइन 2 टाइम्स i y एंड डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में रहेगा cos 2x, cos 2x प्लस cos 2 i टाइम्स y, यहाँ भी पढ़ रहा है ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए प्लस एक्स एंड माइनस एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, एंड प्लस आई टाइम्स वाई एंड प्लस आई टाइम्स वाई ऐड हो करके ये बनेगा 2 टाइम्स आई वाई, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद आप ये कम्प्लीटली जो है सेपरेट नहीं हो पाया है अभी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, अभी थोड़ा सा इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, ये जो साइन है आई से मल्टीपल्स एंगल है, इसको हाइपरबोलिक में आप चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं। तो फार्मूला लिख लीजिए चाहे एक बार फिर, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इन दोनों फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में देखिए इस पार्ट में फार्मूले फर्स्ट का यूज होगा और इस पार्ट में फार्मूला सेकंड का यूज होगा, ठीक है। तो किस तरह फार्मूला यूज कर सकते हैं इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करके लिखने के बाद ही यूज कर पाएंगे। 2x प्लस साइन आई टाइम्स 2i, ये इस तरह सिस्टमेटिक लिखिए जिससे हमको पता चले कि थीटा क्या है, स्मॉल आई क्या है फार्मूले में, और जो कि हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको अच्छी तरह सेपरेट करके ही लिखना चाहिए जिससे कि समझ में आए वास्तविक रूप में है क्या ये, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए कॉस 2x, कॉस 2x प्लस कॉस आई आउट कर लीजिएगा 2y पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा है और कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा है, तो आई जो है इसमें थीटा स्मॉल वाई है, 2 टाइम्स स्मॉल वाई है, तो इस बात को ध्यान में रख करके आप इसमें चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये है साइन 2x प्लस आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2y पड़ेगा न्यूमरेटर में फार्मूले के अनुसार, एंड डिनोमिनेटर में है कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y डिनोमिनेटर में पड़ा है, एंड न्यूमरेटर में पड़ा है साइन 2x प्लस आई टाइम साइन हाइपरबोलिक 2y, ओके। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या ये एक्चुअली कंप्लीट हो गया है रियल इमेजिनरी में, अभी आप इसको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखते हैं, देखिए रियल सेपरेटली है एंड वाई जो है स्मॉल आई का मल्टीपल से इमेजिनरी पार्ट वो भी सेपरेटली है, तो इस फार्म में इसको चेंज करने के लिए, इस यहाँ तक लाने के लिए आपको डिनोमिनेटर से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, मीन सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका साइन 2x इज डिवाइडेड बाई कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2y इज डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x, ठीक है। कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y से हम लोग इसको सेपरेट कर लिए और इसी तरह इसको भी सेपरेट कर लेंगे, तो ये पूरा आपका रियल बनेगा और आई का मल्टीपल्स वाला इमेजिनरी बनेगा। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट रियल एंड इमेजिनरी चेंज हो गया है, तो आप सॉल्यूशन का आंसर लिख सकते हैं, द रियल पार्ट ऑफ
क्या दिया था हम लोगों का फंक्शन टेंजेंट, टेंजेंट इज रियल पार्ट इसका पड़ रहा है साइन टू एक्स इज डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू वाई एंड इमेजिनरी पार्ट पड़ रहा है इमेजिनरी पार्ट। देखिए इमेजिनरी पार्ट जो होता है स्मॉल आई को लेकर के नहीं होता बल्कि उसका कोएफिशिएंट होता है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। कुछ लोग स्मॉल आई को भी टेकन कर लेते हैं बच्चे कभी कभी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा स्मॉल आई का जो कोएफिशिएंट होता है वही इमेजिनरी होता है, जो कि यहाँ पे है साइन हाइपरबोलिक टू वाई, साइन हाइपरबोलिक टू वाई इज डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू वाई ठीक है। तो ये कम्प्लीटली इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया है क्योंकि अच्छी तरह दिख रहा है। चाहे तो एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए, हम लोगों को फंक्शन दे रहा है साइन जेड, तो इसको कॉसाइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लिया गया है, उसके बाद जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है जानते ही हैं, वहाँ लिखा भी गया है याद भी रखिएगा हमेशा, तो इसका मान पुट कर लेंगे तो एंगल जो है कम्प्लीटली जो है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा ठीक। इसके बाद आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस आई वाई है तो इसका कंजुगेट पड़ेगा कॉस एक्स माइनस आई वाई, उससे मल्टीप्लाई कर लिए हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और फिर इतना करने के बाद आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा ठीक है। तो इस फार्मूले को भी लर्न ही कर लीजिए, ये फार्मूला है टू टाइम साइन एन टू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एंड डिनोमिनेटर के लिए सुटेबल फार्मूला आपको पड़ेगा टू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ यूज कर लीजिएगा, लेकिन इस फार्मूले का यूज करने के लिए आपको टू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप फार्मूले का यूज करिएगा और x प्लस आई वाई को कैपिटल A मान लीजिएगा, x माइनस आई वाई को कैपिटल B मान लीजिएगा। यहाँ देखिए फार्मूले का यूज कर लिया गया है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करने के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं साइन टू एक्स प्लस साइन टू आई वाई, एंड डिनोमिनेटर में पड़ा है कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू टाइम्स आई वाई ओके। तो अब इसमें अभी कंप्लीट रूप से रियल इमेजिनरी सेपरेट नहीं हो पाया है, तो इसको सेपरेट करने के लिए आप ज़रा सिस्टमेटिक लिख लेंगे एंगल को। देखिए i टाइम्स टू वाई लिखा गया है, i टाइम्स टू वाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा, जिससे हम लोग इस फार्मूले का यूज कर पाएँ, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो थीटा जो है अच्छी तरह समझ में आता रहेगा है क्या, तभी इस फार्मूले का आप यूज कर पाएंगे, और यूज करने के बाद ये पूरा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। अब इसमें खासियत ये है कि न्यूमरेटर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में है, लेकिन डिनोमिनेटर सिर्फ रियल में है, कॉम्प्लेक्स इसका जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा दो पार्ट में, पहला पार्ट रियल का रहेगा जो कि ये है, दूसरा इमेजिनरी का रहेगा जो कि साफ साफ दिख रहा है। इस तरह के दिए गए फंक्शंस को हम चेंज कर पाए हैं रियल एंड इमेजिनरी में। रियल आ रहा है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू वाई, एंड इमेजिनरी आ रहा है आपका साइन हाइपरबोलिक टू वाई डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू वाई। इस तरह और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड देखिए, लिखा गया है रिजॉल्व ए टू पावर साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इस छोटे से क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में आपको कन्वर्ट करना है। बहुत विशेष क्वेश्चन, कठिन नहीं होता ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिकतर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ए टू पावर साइन एक्स प्लस आई वाई को आपको रियल एंड इमेजिनरी में चेंज करना है। इस तरह है एक्सपोनेंशियल सीरीज है, पावर है साइन एक्स प्लस आई वाई, तो इसको कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। गिवन फंक्शन इज e टू पावर साइन x प्लस आई वाई ओके। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग
सबसे पहले इसका जो भी पावर है उसको रियल एंड इमेजिनरी में चेंज कर सकते हैं, यहाँ बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर लीजिए, अपने आप सेपरेट हो जाएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, तो उस तरह चेंज कर लीजिए, ठीक है। ए टू पावर हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई, ये कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा पावर का, जो कि पावर है एक्स प्लस आई टाइम्स वाई। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर रहे हैं, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो सभी को लमसम याद ही होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। इस एक्सपेंशन में देखिए एक सर्कुलर फंक्शन आ रहा है और एक हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो सकता है स्मॉल आई के मल्टीपल से एंगल के साथ, तो बस वही पुराना फार्मूला यूज कर लीजिए आप, जो कि हमेशा जानते हैं साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, ये आ जाएगा ई टू पावर साइन एक्स एंड कॉस आई बनेगा कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स इंटू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा ध्यान दीजिए, कई बार हम बता भी चुके हैं कि एंगल के साथ स्मॉल आई नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा लिखता है कि एक्स के साथ स्मॉल आई है, ठीक है। तो इसको जस्ट बाहर ही लिख दीजिए करिए, जैसे हम लोग लिखे हैं तो यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ लिख दीजिए तुरंत, तो उससे समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ए टू पावर ब्रैकेट में कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक आई, हमारे कहने का मतलब जैसे ये है तो इसके बाद जस्ट ये वाला स्टेप आप लिखिए, ठीक है। ये तो हम आप लोगों को बताने के लिए ऐसा लिखे हैं, लेकिन इसके बाद जस्ट ये स्टेप लिखे देखिए, इस मालाई यहाँ पे लिखा गया है न कि एंगल के साथ लिखा गया, ऐसा लग रहा है कि एंगल का इस मालाई है उसको आप बाहर ले गए हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सेंस में गलत आएगा, इसलिए इस तरह ना करिए, आप सीधा इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ जाइए तो कोई कमी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रहा है ई टू पावर कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई टाइम्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इसमें देखिए पढ़े होंगे आप घातांक करणी का नियम, उसमें अगर दो पावर ऐड है तो निश्चित रूप से एक ही बेस का मल्टीपल्स है, तो ये एक ही बेस का दो मल्टीपल्स है जिसके एक पावर में है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और दूसरे पावर में है आई टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ओके। तो इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, कंबाइंड है, इसको अलग अलग आप कर लीजिए। ये आ जाएगा ई टू पावर कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू ई टू पावर आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये कम्प्लीटली रियल पार्ट में है, इसमें स्मॉल आई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसमें इसको ऐसे ही रखिएगा, ये एक तरह से रियल पार्ट में है और कंप्लेक्स जैसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए ई टू पावर आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इसको आप थीटा वाले मेथड से चेंज कर लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा आई टाइम साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा, ठीक है। ई टू पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा, तो इसका यूज यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ये पूरा आपका थीटा का काम करेगा। और लिखिए ई टू पावर कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इन ब्रैकेट में, जब इस बार एक्सपोनेंशियल सीरीज से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस एंगल पड़ेगा हमारा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, थीटा में एंगल है हमारा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ओके। तो आई ई टू पावर आई थीटा के मेथड से हम लोग इसको अलग अलग कर लिए हैं, ई टू पावर आई कॉस ये थीटा का काम करेगा, उस फार्मूले में देखिए थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, देखिए कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और फिर साइन का भी है कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक
वाई। तो इस तरह ये एक पार्ट रियल का बना, दूसरा इमेजिनरी का बना। इसे आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं कम्प्लीटली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में दिए गए फंक्शन को। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई टाइम्स ई टू पावर कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक, तो ये पूरा आपका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है और ये पूरा रियल पार्ट बन रहा है। इस तरह हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ तो नहीं हैं, बस आपको एक्सपेंड करके ही इसको सुटेबल ढंग से लिखते जाइए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज किया गया है, एक बार फिर हम लोग रिवाइज करके देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए लिखिए सो रियल पार्ट ऑफ फंक्शन ए टू पावर साइन एक्स एक्स प्लस आई वाई इज ए टू पावर कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक, एंड इमेजिनरी पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट ये पढ़ रहा है आई का गुणांक, जानते ही हैं कई बार इसके बारे में हम बता चुके हैं कि आई का गुणांक ही लीजिएगा, न कि आई सहित लीजिएगा। ठीक है, इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है इसका, जिसका इमेजिनरी पार्ट इतना है और रियल पार्ट इतना है। देख लीजिए एक बार फिर से किया क्या गया है इसमें, फंक्शन दिया है ए टू पावर साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस वाई को सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने के बाद ये आया है। ठीक है, अब इसमें आई का गुणांक के एंड आई गुणांक वाई, इसको हम इन दोनों फार्मूले की मदद से हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जिससे स्मॉल आई गायब हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक में चेंज करके इतना पूरा आया है और ये पूरा आया है। अब हाँ, एक बात ये बताया था कि इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा, जिससे आई ये जो मल्टीपल्स के रूप में दिख रहा है ना, ये ना दिखे, नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आई यहाँ लिख लिए हैं हम लोग, और इसमें एक पार्ट रियल हो गया है, दूसरा इमेजिनरी साफ साफ दिख रहा है पावर में। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करने का मतलब अलग अलग पावर में लिख लीजिए, ई टू पावर कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू ई टू पावर आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब ये तो कम्प्लीटली रियल है, तो रियल में ही पड़ा रहेगा, और ये है पूरा ई टू पावर आई थीटा के मेथड से इसको सेपरेट कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एंगल हमारा काम करेगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो ये पूरा थीटा है, थीटा का यूज कर लीजिएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई टाइम साइन ऑफ साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, लेकिन इस क्वांटिटी से मल्टीपल्स है, तो मल्टीपल्स करने के बाद आप इसको अलग अलग कर लेंगे, देखिए साफ साफ ये रियल हो जाएगा और आई गुणांक वाला इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक वगैरह में, एक्सरसाइज में देखिए और हल करने की कोशिश करिए। उनतीस होते एक मिनट और चले तो हो जाते हैं, फोन करें।
चार क्लासेज हैं।